नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपनी कंपनी के डेटा को स्प्रेड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को किस तरह से चेंज करेंगे, और आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी कंपनी के डेटा को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक ही कंपनी बनाकर उसी में कई फाइनेंशियल ईयर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको केवल करंट फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप ईयर वाइज अपनी कंपनी के डेटा को सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, तो उसके लिए हमको अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केट में टैली में जब हम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं तो वहाँ पर दो थ्योरीज प्रचलित हैं। या तो आप एक कंपनी बनाएं और उसी में ईयर वाइज अकाउंटिंग करते चलें, इट मीन्स आपको केवल फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है और उसी कंपनी में हम लगातार अपने अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट करते हुए चल रहे हैं। दूसरा तरीका है जिसमें हम अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों टैली का जो डेटा है वो काफ़ी वैल्यूबल होता है और हम चाहते हैं कि हर साल का डेटा हमारे पास अलग अलग रहे और सुरक्षित रहे। उसके लिए हम हर साल की डेटा को अलग अलग कर लेते हैं और प्रत्येक साल के लिए नई कंपनी टैली में क्रिएट कर लेते हैं। इसी को हम स्प्लिट कंपनी कहते हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी के ईयर वाइज डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का सामान्य जो अर्थ है वो है टुकड़े करना, बांटना, और यहाँ हम अपनी कंपनी को अलग अलग ईयर वाइज बांटना चाहते हैं। अब बात आती है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। तो वैसे तो ये दोनों ही मेथड अपने आप में बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप दो तीन साल तक लगातार एक ही कंपनी को बनाकर उसी में एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक बार कंपनी को स्प्लिट कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास कुछ सालों का डेटा अलग हो जाए और कुछ सालों का डेटा अलग हो जाए। सपोज़ कभी कोई एरर आ जाता है तो आप उसको इजीली डायग्नोस कर पाएँ, इजीली डिटेक्ट कर पाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जीएसटी आने के बाद 30 जून तक का डेटा कई लोगों ने स्प्लिट किया है और 1 जुलाई से उसी कंपनी को स्प्लिट करते हुए जीएसटी के साथ काम करना चालू किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें अपने डेटा को स्प्लिट करना है। दोस्तों, ये हमारी एक कंपनी है जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए बनी हुई है। इस कंपनी में जीएसटी इनेबल नहीं है और ना ही इसमें इन्वेंट्री है। अभी मैं आपको सिंपल पहले इस कंपनी को स्प्लिट करके दिखाऊंगा, उसके बाद में जीएसटी के साथ जो कंपनी हमारे पास बनी हुई है उसे भी स्प्लिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, कंपनी को स्प्लिट करने से इस कंपनी में जितने भी हमने लेजर्स बना रखे हैं वे सभी लेजर्स हमको स्प्लिट की गई कंपनी में हूबहू मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन लेजर्स में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमको स्प्लिट की गई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाई देगा। आप यहाँ पर बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आप कैपिटल देख रहे हैं, एसेट देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन सभी के ओपनिंग बैलेंसेस स्प्लिट करने के बाद हमें उस कंपनी में मिल जाएंगे। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आप परचेज रिटर्न सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, स्प्लिट करने से पहले कुछ सावधानियां आपको रखनी है। आपको अपनी कंपनी को तभी स्प्लिट करना है जब उस करंट पीरियड की कंपनी में आपने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास कर दिया है। एडजस्टमेंट एंट्रीज इट मीन्स आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दी है, आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्रीज पास हो गई हैं, प्रीपेड, अनर्ड, एक्रूड, ऐसी सारी एंट्रीज जो एडजस्टमेंट से संबंधित हैं वो सभी आपने पास कर ली हैं, आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अब नहीं है और उनसे संबंधित एंट्रीज आप पास कर चुके हैं। जब आपका सारा अकाउंट फाइनल हो जाए तभी आपको स्प्लिट के लिए चलना है। आप जाकर सेल्स के सारे बिल चेक कर लीजिएगा, परचेज के सारे बिल एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी सारी आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दीजिएगा, देन उसके बाद आपको स्प्लिट कंपनी के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपकी एंट्रीज कंप्लीट नहीं है और अगर आप अपनी कंपनी को स्प्लिट कर लेते हैं तो स्प्लिट की गई कंपनी के अंदर आपको लेजर के बैलेंसेस में मिसमैच देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी को स्प्लिट करने से पहले सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको कर लेनी है। दूसरी सावधानी आपको जो रखनी है वो ये रखनी है कि कंपनी को स्प्लिट करने से पहले आप अपनी डेटा का बैकअप जरूर ले लें। आप गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहें और ऑल्टर F3 प्रेस करेंगे तो आपको बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं और बैकअप लेने के बाद ही आपको अपनी कंपनी को स्प्लिट करना चाहिए। यदि आपको बैकअप और रिस्टोर के बारे में नहीं पता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें अपनी कंपनी को स्प्लिट करना है। आपको कंपनी स्प्लिट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में खड़ा रहना है और यहाँ खड़े रहते हुए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F3। जैसे आप Alt 3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लिट कंपनी डेटा, यहाँ आप जाइएगा। एंटर प्रेस करने पर नीचे एक ऑप्शन और टेली आपको देगा वेरीफाई कंपनी डेटा। ये जो कंपनी है इसका डेटा हम पहले वेरीफाई करेंगे, यदि कोई एरर होगा तो टेली हमें डिस्प्ले कर देगा, इसलिए आपको अपनी कंपनी का डेटा को एक बार वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कंपनी डेटा में आप एंटर करेंगे, आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है कैरियर प्लैनेट उदयपुर, और आप एंटर प्रेस कीजिएगा। देन हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाएगी लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स। अभी हमारी कंपनी में कोई एरर नहीं है और ये कंपनी स्प्लिट करने के लिए तैयार है। अब आप फिर से सेलेक्ट कंपनी में जाइएगा और यहाँ पर आप देखिएगा कि स्प्लिट फ्रॉम, आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी हमारी करंट कंपनी, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्प्लिट फ्रॉम, यहाँ आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल 2018। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी डेट हमें यहाँ डिस्प्ले कर रहा है टेली। दोस्तों जो लास्ट एंट्री हमने जिस डेट पे पोस्ट की होती है उसके नेक्स्ट डेट को यहाँ पर टेली डिस्प्ले कर देता है। यहाँ टेली नीचे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड एंड ओपन, कि जब आप कंपनी को स्प्लिट कर लेंगे तो आपके पास फर्स्ट कंपनी जो बनेगी वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक रहेगी, और सेकेंड कंपनी जो हमारी स्प्लिट होने के बाद बनेगी वो 1 अप्रैल 2018 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार हो जाएगी। देन आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हुए एक्सेप्ट करना है। टेली आपसे पूछेगा कि आप स्प्लिट करना चाहते हैं, आप यस प्रेस कीजिएगा और कुछ ही सेकेंड्स में कंपनी जो है वो स्प्लिट होकर तैयार हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कैरियर प्लैनेट उदयपुर जो हमारी मेन ओरिजिनल कंपनी थी वो ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी, वैसे ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपको दो नई कंपनीज मिलेंगी, एक कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए एक फ्रेश कंपनी आपको और मिल जाएगी, क्योंकि अब आपके डाटा जो है वो 2 साल के लिए अलग अलग हो चुके हैं। पहले साल का डाटा इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा और नेक्स्ट साल का डाटा आपको इस कंपनी को देखने को मिलेगा, और जो ओरिजिनल डाटा था वो आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। यानी 3 कंपनियाँ आपके लिए अलग अलग बन गई है। अब चलिए जो नेक्स्ट कंपनी हमने बनाई है 1 अप्रैल 2018 से जो जिसमें हमको काम करना है उस कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जस्ट आपको इस कंपनी के नेम पर क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट करना है, क्लिक कर दीजिएगा, वो कंपनी सेलेक्ट हो गई है। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आपको स्केप करके फिर से आ जाना है गेट ऑफ टेली में, और यहाँ आप देखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको सारे जो लेजर्स थे हमारे उनके ओपनिंग बैलेंस देखने को मिलेंगे। कैपिटल का हमें ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है जो कि पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस था। स्प्लिट होने के बाद सारे लेजर्स के हमको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले आपको बताया था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद ही स्प्लिट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको ड्राइंग भी दिखाई दे रहा है जो कि पिछले साल का था, इस साल का कोई ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है और सारे लेजर्स हमको प्रॉफिट लॉस में सारे लेजर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हम इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी में काम करना चाहें तो हम डायरेक्टली एंट्रीज इसमें पास नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल की एंट्री मुझे यहाँ पास करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको करंट पीरियड का एरर शो हो रहा है, उसके लिए एक बार हमको इन कंपनीज को क्लोज कर देना है। Alt F1 के साथ शट कंपनी में जाइएगा, आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से मेरी जो नई कंपनी है उसे मैंने सेलेक्ट किया है। अब आप देखेंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर अब चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हमको एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री जो 1 अप्रैल 2018 को हमको पास करनी है वो अब आप यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। देखिए एक एंट्री मैंने कैपिटल की पोस्ट कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंपल अपने कंपनी डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर की कंपनी को देखना चाहें तो वो भी आप उसे सेलेक्ट करके उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये तो बात की हमने ऐसी कंपनी की जिसके अंदर GST भी नहीं था, स्टॉक इन्वेंट्री कुछ नहीं था। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कंपनी में जिसमें हमने स्टॉक भी ले रखा है और GST भी ले रखा है, और उसे हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारी वो कंपनी है जिसमें हमें GST का काम करना है, और इस कंपनी में मैंने 30 जून तक एंट्रीज को पोस्ट कर रखा है। 30 जून तक की एंट्रीज में वेट के साथ एंट्रीज को पोस्ट किया था, और 1 जुलाई से हमें इसमें GST के साथ काम करना है। तो हम ये चाहते हैं कि 30 जून तक का जो काम है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का,
उसको हम सेपरेट कर लें और जीएसटी वाला काम हम नई कंपनी में कंटिन्यू करें। इस कंपनी को हमें स्प्लिट करना है, उसके लिए अभी आप देखेंगे स्टॉक समरी में तो 30 जून तक जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो 135 नॉर्म्स पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल आप यहाँ देख रहे हैं। और बैलेंस शीट अभी आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको सारे हेड्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब इसको स्प्लिट करने के लिए जाएंगे, ऑल्टर F3 आप प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टेली में, देन आपको जाना है स्प्लिट कंपनी में, वेरीफाई कंपनी डेटा, एंटर प्रेस कीजिएगा, नो एरर फाउंड्स, वेरीफाई करने के बाद सेलेक्ट कंपनी जो हमारी क्लोथिंग स्टॉक वाली कंपनी है। यहाँ टेली आपको बोल रहा है स्प्लिट फ्रॉम, हमें स्प्लिट करना है, जो नेक्स्ट कंपनी हमें बनानी है वो 1 जुलाई से बनानी है, तो यहाँ आप 1 जुलाई डेट एंटर कर लीजिएगा। अब हमारी दो कंपनीज बनने वाली हैं, फर्स्ट कंपनी जिसमें हमने वेट पे काम किया था 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगी, और सेकंड जो कंपनी बनेगी वो 1 जुलाई से आगे के लिए बनेगी। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कर लेंगे, टैली आपसे स्प्लिट करने के लिए पूछेगा, आप इसे भी यस कर लीजिएगा, देन हमारी कंपनीज स्प्लिट हो चुकी हैं। स्प्लिट होने के बाद अब हम इन कंपनीज को एक बार शट कर लेते हैं, इन्हें क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करने के बाद फिर से इन्हें ओपन कर लेते हैं। जो नई कंपनी हमारी बनी है 1 जुलाई से जिसमें हमें काम करना है उसको मैंने ओपन कर लिया है। आप देखेंगे ऊपर जो करंट पीरियड आ रहा है स्प्लिट करने के बाद वो आ रहा है 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018। तो टेली ने यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर के हिसाब से इसे स्प्लिट कर दिया है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल एंड होगा वो होगा 31 मार्च को, इसलिए आप गेटवे ऑफ टेली में खड़े रहें और अल्टर के साथ F2 प्रेस करें और चेंज पीरियड में 1 जुलाई टू 31 मार्च यहाँ पर सेट कर लें, देन एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप सबसे पहले स्टॉक समरी देखिएगा, वही 135 नॉर्म्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, सारे आइटम आपको यहाँ दिखाई देंगे और उनके ओपनिंग बैलेंसेस जुलाई में आपको शो होने लगेंगे। बैलेंस शीट में भी आपको सारे बैलेंसेस दिखाई देंगे। हमने जो वैट में इनपुट क्रेडिट लेना है उसका बैलेंस भी हमको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें अपनी कंपनी के डेटा को ईयर वाइज स्प्लिट करना है और किस तरह से हमें जीएसटी के लिए अपनी कंपनी को 30 जून तक और 1 जुलाई से 31 मार्च तक स्प्लिट करना है। आशा है, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।